सिंपैथी और एम्पैथी के बीच के डिफरेंस को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर लाइव्स। आज मैं बात करूंगी दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जो हैं सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंपैथी के बारे में। सिंपैथी का हिंदी में मीनिंग होता है सहानुभूति। सिंपैथी जो है वो एक तरह का इमोशन है जो हम शो करते हैं किसी दूसरे पर्सन के मिसफॉर्चून पर। इन सिंपैथी द पर्सन इज नॉट एबल टू पुट हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज नॉट गोन थ्रू द सेम सिचुएशन। मतलब क्या है इस बात का? सिंपैथी में पर्सन दूसरे पर्सन के लॉस को फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो घटना खुद उसके साथ घटित नहीं हुई होती है। जब एक पर्सन दया की या दुख की भावना रखे किसी ऐसे पर्सन के लिए जो मिसफॉर्च्यून को एक्सपीरियंस कर रहा हो, यानी कि जिसके साथ कुछ बुरा घटित हो रहा हो, इसके अंदर पर्सन सिर्फ और सिर्फ भावना रखता है, वो एक्चुअली में फील नहीं कर सकता है कि वो पर्सन इस टाइमिंग पे किस फेज से गुजर रहा होगा। अब बात करेंगे एम्पैथी के बारे में। एम्पैथी का हिंदी में मीनिंग होता है समानुभूति। एम्पैथी जो है वो पर्सन सिर्फ तभी शो कर सकता है जब वो खुद भी उसी लॉस को एक्सपीरियंस कर चुका हो। इन एम्पैथी द पर्सन इज एबल टू पुट हिमसेल्फ इन द शू ऑफ द अदर पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग द मिसफॉर्च्यून and is actually able to feel the situation of the other person। यानी कि empathy में person actually feel कर सकता है कि दूसरा person किस phase से गुजर रहा होगा, जबकि sympathy में वो feel तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो फिर भी दुख की या दया की भावना रखता है। चलिए अब एक example के थ्रू समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिचुएशन ड्रॉ करी है। ये सिचुएशन है सिंपैथी के लिए और ये वाली सिचुएशन जो है वो है एम्पैथी के लिए। सो सिंपैथी के केस के अंदर ये एक पर्सन है जो रोने लग रहा है और बोल रहा है कि आई लॉस्ट माय फैमिली इन अ बॉम्ब ब्लास्ट केस। मैंने मेरे परिवार को खो दिया एक बॉम्ब ब्लास्ट के केस में। यहाँ पे एक दूसरा दोस्त है इसका, वो आके इसको बोलता है, ओह आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, मुझे सहानुभूति है आपसे। फिर ये एक दूसरा केस है, एम्पैथी का केस है ये। एम्पैथी के इस केस के अंदर ये वही सेम सिचुएशन है, ये सेम वही पर्सन है जो रोने लग रहा है और बोल रहा है कि आई लॉस्ट माय पेरेंट्स इन अ बॉम्ब ब्लास्ट केस। तभी जो इसका साथ में जो दूसरा फ्रेंड है वो बोलता है, ओह आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरे साथ भी सेम ऐसा घटित हो चुका है। और वो भी साथ में रोने लग जाता है और उसको हग करता है। जबकि इस केस के अंदर क्या है, ये जो पर्सन है वो एक्चुअली में फील नहीं कर पा रहा है कि ये जो दूसरा पर्सन है वो इस टाइमिंग पे किस फेज के थ्रू जा रहा है, बट वो दूसरे पर्सन के लिए दुख की दया की फीलिंग रखता है। सो अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन के लिए दुख की दया की भावना रखते हो, तो उस सिचुएशन में हम सिंपैथी वर्ड का यूज करेंगे। बट अगर आप खुद उसी सिचुएशन के थ्रू जा चुके हो, गुजर चुके हो, उस कंडीशन में आप एम्पैथी वर्ड का यूज करेंगे। आई होप कि मैं इन वर्ड्स के बीच में डिफरेंस समझा पाने में सफल रही होंगी। एंड इफ आई एम एबल टू डू सो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा।